तो दिल्ली के चांदनी चौक में हुई घटना के बाद सियासत गरमाई है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया। खबर है कि अमित शाह ने इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से घटना को लेकर नाराजगी जताई। दिल्ली के चांदनी चौक के हौज काजी इलाके में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद तीसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को संसद भवन में ही तलब कर लिया। बताया जा रहा है कि चांदनी चौक के जिस मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैला है, उसे लेकर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अपनी नाराजगी जताई है। खबरों के अनुसार इस घटना से नाखुश शाह ने दिल्ली पुलिस चीफ को फटकार लगाई। मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने वहां के ताजा हालात के बारे में गृह मंत्री को जानकारी दी है। एक्शन ऑलरेडी 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं एंड इस पे और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जनरल ब्रीफिंग था कि सिचुएशन कैसा है, क्या है, वही बताया गया। सिचुएशन काफी नॉर्मल है। नहीं, एक्शन पहले हो चुका था, जो लोग आइडेंटिफाई हो गए थे एक्शन भी पहले हो चुका था और उसके बारे में जनरल स्थिति अभी काफी नॉर्मल हो चुका है वहाँ पे, उसी के बारे में ही जनरल ब्रीफिंग दी गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके के हौज काजी इलाके में हालात अब सामान्य हैं। मंदिर में तोड़फोड़ में शामिल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिल्ली के हौज काजी इलाके में रविवार को पार्किंग के विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। इस दौरान एक मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद वहां 2 दिन से तनाव पसरा हुआ था। लेकिन इसके बाद आज दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन सहित कई लोगों ने दौरा किया, जो ये कहते नजर आए कि अब वहां पर हालात सामान्य हैं। हम सब लोग बैठे हैं, हमारे जितने हिंदू भाई हैं दुर्गा मंदिर गली के वो, और जितने मुसलमान भाई हैं हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे इलाके में कोई भी नहीं चाहता कि आपस में लड़े झगड़े। हर आदमी चाहता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कि हम लोग मिलजुल के रहे। हम सदियों से बाप दादा परदादा के टाइम से यहाँ रहते चले आ रहे हैं और भाइयों की तरह रहते चले आ रहे हैं। हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। ईद पे हमारे घर में सारे हिंदू भाई आते हैं और दिवाली पे हम इनके घरों में जाके दिवाली मनाते हैं। और ये एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब है पुरानी दिल्ली की, इसको कायम रखने के लिए सब लोग एक साथ आए। इससे पहले पुलिस ने भी वहां दोनों सांप्रदाय के लोगों के बीच शांति बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी पक्षों ने अपनी तरह से शांति का भरोसा दिलाया था। हालांकि वहां अभी भी पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके हालात पहले के मुकाबले अब सुधरे हुए हैं। रहते आए साथ में, कभी कोई अमन हमने से चाहते और रहते, हमारा बचपन पैदा, हम लोग सब आपस में ही ऐसे। और हम लोग आप जा रहे हैं पूरे बाजार को, पूरे लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि कोई ऐसा बात नहीं, आपस में हम लोग खट्टे रहते हैं और खट्टे रहेंगे। देखना ये होगा कि जिस तरह से ये घटना हुई है और उसके बाद अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया है, उसके बाद क्या कुछ स्थिति में बदलाव आता है। दिल्ली से ललित नारायण कांडपाल की।